विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव के लिए सोमवार सुबह 8 बजे से ही वोटिंग जारी है। मतदाता घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा उत्साह नक्सल प्रभावित क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं मतदान करने के लिए लाइन में लगी हुई हैं। यहां मतदान केंद्रों की संख्या 229 है, जहां 22 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग भी की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसके लिए सभी को निर्देशित किया है। चित्रकूट विधानसभा के लिए बने जो मतदान केंद्र है उसमें 16 सुकमा जिले में है, जबकि 213 केंद्र बस्तर जिले में है। सुबह 10 बजे तक 9% मतदान हो चुका था। इसी बीच झाबुआ से खबर आ रही है, यहां पर 20% से ज्यादा मतदान हो चुका है। यानी सुबह 11 बजे तक की हम बात करें तो 20% से ज्यादा मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट में भी अभी मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक 20% मतदान हो चुका है और मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और हमारे साथ बातचीत के लिए आशुतोष तिवारी जुड़ चुके हैं चित्रकूट से। आशुतोष, लगातार हम आपसे संपर्क कर रहे हैं और लगातार इसका अपडेशन मिल रहा है, 20% से ज्यादा मतदान हो चुका है। क्या कुछ माहौल अब देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर? आशुतोष, शायद आशुतोष तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा कोशिश करते हैं उसे जुड़ने की। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, हम अभी अभी की बात करें क्योंकि 20% से ज्यादा मतदान हो चुका है और लगातार हम आपसे संपर्क में, सुबह से बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई है, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मतदान तो यहाँ पर हो रहे हैं और लगातार उत्साह भी है मतदाताओं के बीच, लेकिन एक और यहाँ पर जो बात निकल के सामने आ रही है, विवाद की बात निकल के, जोगी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है वो अपने पक्ष में वोट के पीटासीन अधिकारियों से सेटिंग कर रखी है, और जिस तरीके से जो मतदान केंद्र में जो मतदाता अपना मत का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं वो उनको बताया जा रहा है कि इस बटन पे दबाइए, तो यह शिकायत निर्वाचन अधिकारी से अजीत जोगी भी ने कर दी है। अब यही देखना होगा कि क्या ये सत्य है या नहीं। हालांकि वीडियो तो जारी हुआ है इस चीज का कि यहाँ पर धांधली किया जा रहा है, लगातार मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है, कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, ये लगातार आरोप लग रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या उनके ऊपर कार्रवाई होती है, पीटासीन अधिकारी किसके पक्ष में वोट डालते नजर आ रहे हैं, किसके पक्ष में वोट डलवाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी मतदाताओं की अगर बात की जाए तो लगातार घर से निकलकर मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। अभी तक लगभग 20% से ऊपर मतदान हो चुके हैं और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि पिछले बार के मुताबिक इस बार मतदान ज्यादा प्रतिशत हो सके। जी जी, क्या लगता है यदि हम बात करें, क्योंकि जिस तरह विवाद की स्थिति बनी है उसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मशीनों की बात करें, क्या कोई ऐसी खबर यहाँ पर आई है कि मशीनें खराब हुई हो? अभी तो फिलहाल ऐसी खबर कोई निकल के सामने नहीं आ रही कि कोई ईवीएम मशीन में यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, कोई खराब हुई है मशीन, अभी फिलहाल ठीक है। लेकिन इसके लिए भी बैकअप पार्टी यहाँ पर तैयार की गई है, अगर कोई मशीन ईवीएम मशीन खराब होती है तो तुरंत उसको बदल के दूसरा ईवीएम मशीन वहाँ पर लगाया जाएगा, क्योंकि मतदान होने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जो चुनाव आयोग है वो पूरी तैयारी करके रखा है यहाँ पर, सारी परेशानियों से निपटने की यहाँ पर पूरी तैयारी कर चुकी है। जी क्या लगता है, हम बेंजाम की बात करें या फिर लच्छूराम कश्यप की बात करें, इन लोगों ने अपना वोट भी डाल दिया है और ऐसा भी सुनने में आया है कि सभी लोग जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो बिल्कुल सादगी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे, यानी कि एक आम आदमी की तरह उन्होंने वोट डाला है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। राजमन बेंजाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो पहली बार विधानसभा चुनाव में खड़े हुए हैं और पूरे परिवार के साथ अपना मताधिकार का प्रयोग किया है उन्होंने, और साथ ही जो बीजेपी के लच्छूराम कश्यप है उन्होंने भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और लाइन में रह के, कतार में रह के उन्होंने अपना मतदान किया है यहाँ पर, तो बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पर मतदान किया है। यही आस लगाया जा रहा है और लगातार जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर घूम घूम के देख भी रहे हैं कि किस तरफ रुझान ज्यादा है और कहीं यहाँ मतदान
कर्मियों को कोई कांग्रेसी हो या फिर बीजेपी हो कोई लुभाने या फिर अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, ये लगातार देख रहे हैं जो प्रत्याशी हैं वो हर पोलिंग बूथ पर घूम घूम के देख रहे हैं। जी चलिए आशुतोष, आप इस पूरे वोटिंग पर नजर बनाए रखेगा, हम अपने पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हमारे साथ मनीष गिरधानी जुड़ चुके हैं झाबुआ से। मनीष, यदि हम बात की जाए, सुबह से वोटिंग लगातार जारी है, 20% वोट हो चुके हैं, लेकिन जैसे हमने चित्रकूट में बात की वहां पर ये भी खबर सुनने में आई कि कहीं पर विवाद की स्थिति बनी है, क्या लगता है झाबुआ में क्या माहौल चल रहा है? देखिए, जहां तक विवाद की बात है, यहाँ किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली। कलेक्टर साहब जरूर अभी जो जिलाधीश से वोट डालने आए थे एसपी, यहाँ पर एसपी विनीत जैन के साथ, उन्होंने बताया कि केवल एक मतदान केंद्र 327 ऐसा था जहाँ पे मशीन खराब हुई थी, वो बदली गई है। न तो मशीन खराब होने की इसके अतिरिक्त कोई सूचना, न किसी प्रकार से विवाद की सूचना है। लगातार उम्मीदवार भी पहुंच रहे हैं अलग अलग बूथों से और प्रशासन भी सक्रिय है, वो शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पे चल रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो मतदान है 1 बजे के आसपास में इस प्रतिशत में ज्यादा उठा रहा है। जी, यानी कि शांतिपूर्ण माहौल से झाबुआ में चुनाव चल रहा है और 1 बजे तक ये भी माना जा रहा है कि जो मतदान का प्रतिशत है उसमें उछाल आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष शब्द जुड़ने के लिए, आप पूरा नजर बनाए रखिएगा इस पूरी वोटिंग पर।